पिछले 7 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं, पॉलिसी के स्तर पे, इंसेंटिव देने के स्तर पे, इसको प्राथमिकता बनाने के स्तर पे, ऐसे जैसे संगठन को खड़ा करके विश्व नेतृत्व लेने की ग्लोबल लीडरशिप के स्तर पे, सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, बायोफ्यूल्स हो, बायोगैस हो, एथेनॉल हो या जैव खेती हो, ये सारा विषय में करते करते आज हम भारत में ऊर्जा खेती इस प्रकार की एक इनिशिएटिव लिए हैं। शायद विश्व में इस प्रकार की मॉडल आने वाले दिनों में विश्व को प्रेरित करेगा। इसको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक जन आंदोलन की रूप दिया गया है। मित्रों, मैं एनर्जी विभाग के काम देखता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी के काम देखता हूँ। प्रधानमंत्री जी के दिग्दर्शन से आने वाले दिनों में भारत की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा किया जाएगा, ऊर्जा आवश्यकता को पूरा किया जाएगा, ऐसे तो भारत आने वाले 2-3 दशक में विश्व की एक नंबर ऊर्जा खपतकारी देश होगा। भारत एक आकांक्षी देश है, एस्पिरेशनल सोसाइटी है, उसमें हमारी आवश्यकता ऊर्जा बढ़ेगी। उसमें प्रधानमंत्री जी की कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमने ऊर्जा आवश्यकता को बायोडायवर्सिटी से कैसे निकालना, जिसमें हमारी देश की अर्थनीति पे, पर्यावरण नीति पे, रोजगार पे, किसानों की आमदनी को दुगनी करने में, हमारी खेती को सुरक्षित करने में कैसे एक इनोवेटिव तरीके से, जो आज यूएन ने घोषणा किया है, रीइमेजिन करिए, रिक्रिएट करिए, ये सारा विषय पिछले 7 साल में हम एक एक कदम करके हम आगे लेके जा रहे हैं। हमारी विभाग की ओर से एलपीजी की इनिशिएटिव हो, सीबीजी हो, एथेनॉल हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल का इनिशिएटिव हो या गैस बेस्ड इकोनॉमी की बारे में हम उल्लेख करें, ऐसे अनेक विषय। इसीलिए आज विश्व की नेतृत्व, अभी अभी विश्व की एक बड़े एनवायरमेंट एक्सपर्ट अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति भारत की दौरे में आए थे, जब उनसे चर्चा हुआ, वो हमको कुछ विषय में हमसे समझ रहे थे, जब हमने हमारे देश की सारा विवरण किया, उन्होंने अंत में भावुक होकर एक शब्द कहा कि आपकी देश की प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ना केवल एक प्रशासक है, आध्यात्मिक दृष्टि से, स्पिरिचुअली वो पर्यावरण के प्रति कमिटेड है। साथ यही हमारी भारत की जीवन शैली है, जिसको एक प्रशासक के नाते प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को एक जन आंदोलन में शामिल किया है। मित्रों, मैं आज के दिवस पे फिर जब हम पेरिस से ग्लासगो की ओर जा रहे हैं, पर्यावरण के बारे में विश्व में चर्चा हो रही है, इस समय में आज हम पर्यावरण दिवस पे सब इकट्ठा हुए हैं। आज हम सब सौभाग्यशाली है, देश के सामने प्रधानमंत्री जी एक नई कल्पना देंगे, हम सभी को मार्गदर्शन करेंगे। मैं पुनः आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। नमस्कार।